Hey guys, welcome back my YouTube channel. मैं रिंकल प्रिया. So friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे and मैं बहुत अच्छी हूँ. So guys, आज का ब्लॉग भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज छठ पूजा का दूसरा दिन है. जैसे कि आपको पता है कि कल फर्स्ट डे था जिसे मतलब नहान खान था और जिसे हम कहते हैं कद्दू भात. हाँ, जिसे हम कहते हैं कद्दू भात. और आज दूसरा दिन है जिसे हम कहते हैं खरना. तो गाइस, आज मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी कि खरना हम मतलब कैसे मनाया जाता है, कैसे नहीं, और आज हमारे घर में कैसे मनाया जाता है और क्या बनने वाला है, ये भी आपको शेयर करने वाली हूँ गाइस. और जो लोग मतलब कल का जो फर्स्ट ब्लॉग है मतलब छठ पूजा का, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं फुल ब्लॉग. क्योंकि मतलब छठ पूजा का पहला दिन है और ये दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन है, तो सारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए. तो चलिए अभी से हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि वो आज कुछ मीठा बनने वाला और मीठा में क्या बनने वाला है, चलिए मैं आपको दिखा दें. तो गैस प्लीज़ ब्लॉग में बनी रहिएगा. Sometimes I say that I want you back for I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know आज का जो मतलब खरना का जो प्रसादी है ना, वो आम का लकड़ी पर ही बनेगा. उसके अलावा हम कोई और दूसरा लकड़ी यूज नहीं कर सकते, गैस भी नहीं या हीटर कुछ भी नहीं, बस ओनली मतलब आम का ही लकड़ी पर, और उसके अलावा कोई लकड़ी पर हम नहीं बना सकते. क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं पूछी तो आपको बता रही हूँ. और आज का जो प्रसादी है ना, वो मतलब खीर बनेगा, गुड़ का खीर, और रोटी बनेगा, उसके ऊपर हम लोग घी मतलब घी लगा दिया जाएगा, और उसके साथ रहेगा गाय का दूध, भैंस का नहीं सिर्फ गाय का दूध. तो आज का वही मेन हम लोग का प्रसादी है. तो अभी तो मम्मी खीर बनाना स्टार्ट की, जब खीर बन जाएगा ना उसके बाद रोटी बनेगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है. Baby, let it be.
And I know.